today, guys. I am so happy. बिकॉज हम एवी क्लास गए थे एंड हमें सडन एक शॉकिंग न्यूज़ मिला एंड हमारा डिक्लेयर हुआ कि तुम्हारा 4 दिन के लिए छुट्टी हो गया है एंड इट्स रियली शॉकिंग फॉर अस बिकॉज हम कल गए थे प्रिंसिपल सर को छुट्टी मांगने, उन्होंने बहुत मना किया एंड हमें उन्होंने बहुत ही डांटा एंड बहुत कुछ सुनाया, तो लिटरली हमारा होप टूट चुका था कि हमें छुट्टी नहीं मिलेगी इस बार दशहरा में। बट सडनली हमें आज सुबह खबर मिला कि डिक्लेयर हुआ ऑफिशियली कि तुम्हारा छुट्टी हो चुका है 4 दिन के लिए एंड मैं बहुत खुश हूँ इसीलिए एंड फाइनली मैं घर भी जाने वाली हूँ। ऑलमोस्ट पैकिंग कर ली एंड पैकिंग में ही मेरे बैंड बज गए, बस कुछ दिन मैंने थोड़ा सा सामान लिया है बिकॉज मैं 4-5 दिन बाद चली आऊँगी। गाइस मैं अपना बस छोटा सा बैग ही लेके जा रही हूँ बिकॉज मुझे 3-4 दिन ही रहना है और फिर तो आना ही है। मैंने मेरा क्लच एंड थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट सा सामान है पैक कर लिया है। तो गाइस अभी हम नीचे जा रहे हैं। हेलो गाइस, अभी मैं बाहर आ चुकी हूँ एंड हम एप्लीकेशन लेके प्रिंसिपल सर के पास आ रहे हैं एंड ये हमारी संस्कृति Hi. ये भी जा रही गाइस। फाइनली अभी हम जा रहे हैं प्रिंसिपल के पास, हमको गेट पास देना है मतलब सिग्नेचर करना है, फिर उसके बाद हम घर जा सकते हैं। पेरेंट्स का सिग्नेचर लगेगा वगैरह वगैरह, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। अभी थोड़ी देर फिर हम पहुंचने वाले हैं। अभी देख सकते हैं बरगद का पेड़ है हमारे यहाँ जिसकी पूजा किया जाता है। हम आ चुके हैं एंड ये जो है ये हमारा लाइब्रेरी है, हमारी बद्दी बाल साइज का न्यूज का। हम आ गए हैं, अभी हमको सिग्नेचर लेना है। गए थे बट पेरेंट्स आने से ही छोड़ रहे हैं, तो हमारे पेरेंट्स अभी तक आए नहीं तो हमने फिर से रिटर्न करना पड़ा। तो अब हम यहाँ वेट कर रहे हैं, जब वो आएंगे तब तक इधर रुकना पड़ेगा। भद्दी सेल्फी ले रही है क्योंकि हम जा रहे हैं इसीलिए वो सेल्फी ले रही है आज। देख सकते हैं ये हमारे कॉलेज में पेरेंट्स की वेटिंग रूम है एंड ये दिखने में बहुत ही प्यारा है। इट्स ऑलमोस्ट 5:37, अभी तक मेरे पानी आए हैं, वो बोले कि अभी निकल रहे हैं, शाम हो चुका है, पता नहीं मैं कब जाऊंगी। ऑलमोस्ट 7:00, मैं अभी तक नहीं गई, मेरे पा अभी तक नहीं आए। सो फाइनली मेरे पा आ चुके हैं, मैं अभी जाने वाली हूँ। फाइनली यार मैं सेंट्रल जेल से बाहर आ चुकी हूँ। यार मुझे फिर से उतरना पड़ा, ये लोग बिना सिग्नेचर के छोड़ते नहीं है, फिर से सिग्नेचर, भगवान। हॉस्टल कैंपस में भी एक बार सिग्नेचर, यार कितना सिग्नेचर। फाइनली अब हम जा रहे हैं एंड रेलवे ट्रैक भी क्रॉस कर चुके हैं ऑलमोस्ट। आप देख सकते हो मून बड़ा प्यारा लग रहा है, रात का टाइम है। पा का कुछ काम था तो हमें बालाजी नर्सिंग होम के पास में रुकना पड़ा। गाइज आई एम रियली सॉरी, मैं ज़्यादा सूट नहीं कर सकती बिकॉज मुझे कार में थोड़ी वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है। अभी यार हमें पेट्रोल पंप के पास थोड़ा रुकना पड़ा, गाड़ी में पेट्रोल भरना है, कितना रुकेंगे यार। फाइनली मैं अपने होम टाउन पहुंच चुकी हूँ। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ का दुर्गा माँ का मंदिर है, आप देख सकते हैं इसका डेकोरेशन भी बहुत प्यारा है। मैं अपने घर पहुंच चुकी हूँ, मैं सेफली पहुंच चुकी हूँ इसलिए मैं बहुत खुश भी हूँ एंड मैं ट्रैवल करके थक भी चुकी हूँ, मुझे हेडेक भी हो रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।